हाय दिस जोगेंद्र टुडे हियर, टुडे हियर टॉक्स देसी मार्टिन और बात करते हैं एक और हिट फिल्म के बारे में जो 2018 में जाके एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। आई एम टॉकिंग अबाउट सत्यमेव जयते। मीन इट्स वेरी फर्स्ट एक्सटेंडेड 9-day वीक हैज मैनेज्ड टू क्रॉस द 75 करोड़ मार्क। दैट्स अ वेरी गुड नंबर फॉर द फिल्म। जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी की फिल्म है। दोनों ने इतनी बड़ी सक्सेसेस जो है वो नहीं देखी है, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ सेटअप एंड नाउ इन दिस एक्शन एंटरटेनर विद अ लॉट ऑफ ड्रामा इन देयर। The film has managed to really reach a very good level, more so because एक ही A rated film है और अगर A rated film इस तरीके की success बन जाए तो मजा ही कुछ और आता है। And from that perspective, writer director Milav Zaveri really deserves a pat on the back because he has pretty much stuck to his convictions and made sure that masala audiences really get what they were looking forward to. तो 75 करोड़ तो फिल्म के आ गए हैं। दैट्स रियली गुड न्यूज फॉर एवरीवन एसोसिएटेड, बिकॉज चाहे वो निखिल अडवाणी हो, उनकी पूरी टीम हो या सामने टी सीरीज हो, ईच वन ऑफ देम इज रियली मेकिंग सम गुड मनी आउट ऑफ दैट। और देखना ही है कि फिल्म इससे आगे कहां पर जाती है, बिकॉज जब हम बात करते हैं 100 करोड़ क्लब की तो एक टच एंड गो वाला सीन लग रहा है, बिकॉज फिल्म ने जो है वो उतार चढ़ाव काफी देखा। पहले ही दिन 20 करोड़ आ गए, उसके बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ, फिर वापस जाके सैटरडे संडे कलेक्शंस ऊपर आए, फिर मंडे को ड्रॉप हुआ, फिर वेडनेसडे को ऊपर गई। सो ऑन ईच ऑफ दिस हॉलीडेज, चाहे वो नेशनल हॉलीडेज थे, सैटरडे संडे थे विच इज वेडनेसडे, सैटरडे संडे एंड देन वेडनेसडे अगेन, इन चार दिनों में फिल्म ने काफी पैसा कमाया, बाकी दिनों में जस्ट अबाउट ठीक ठाक रही। सो इसलिए कोई जो ट्रेंडिंग होती है उस बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते कि फिल्म का ट्रेंड कैसा रहेगा सेकंड वीकेंड में। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। द गुड थिंग इज कि मास सेंटर्स वाली फिल्म है और सेकंड वीकेंड में भी मास सेंटर्स में फिल्म के लिए कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है नहीं, बिकॉज हैप्पी फिर भाग जाइए आई है, बट वो प्राइमरली मल्टीप्लेक्स की फिल्म है। गोल्ड अगेन इज प्राइमरली मल्टीप्लेक्स फिल्म। सो सिंगल स्क्रीन पे अभी भी दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ऑडियंसेस। बट हाँ, फिल्म का कम से कम 12-13 करोड़ आना जरूरी है इन इट्स सेकंड वीकेंड, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो देन द फिल्म कैन वेरी मच एम टू स्टेप इन टू द 100 करोड़ क्लब। अगर फिल्म का 10 करोड़ के अंदर में वीकेंड सिमट गया तो थोड़ा सा डाइसी होगा, बिकॉज 85 करोड़ तक तो पहुंच जाएगी, उसके बाद थोड़े बहुत नंबर जो ट्रिकल होते रहेंगे इन द सेकंड वीक एज वेल, बट उसके बाद और काफी फिल्म्स है जो आ रही है, बिकॉज स्त्री इज कमिंग ऑन द कमिंग फ्राइडे, उसके बाद एवरी फ्राइडे देयर गोइंग टू बी वन ऑफ द अदर रिलीज। सो स्त्री है, यमला पगला दीवाना फिर से है, काफी सारी मूवीज हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव सत्यमेव जयते रियली नीड्स टू गेट इट्स बेस्ट नंबर्स इन द सेकंड वीकेंड, क्योंकि हिट तो हो गई है, बट अगर ये 100 करोड़ तक पहुंच गई तो सुपर हिट का भी टैग आ जाएगा, विच इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट न्यूज फॉर एवरीवन एसोसिएटेड विद द फिल्म। बट हाँ, एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि इस फिल्म को क्लैश से फायदा हुआ है। जहां पर गोल्ड अगर सोलो आती तो और ज्यादा नंबर्स करती, वहां पर सत्यमेव जयते बिकॉज इट हैज कम ऑन अ क्लैश, इट गॉट सम रियल गुड डील फ्रॉम द एंटायर प्रमोशन पर्सपेक्टिव, क्योंकि हाँ फिल्म अच्छी जरूर बनी है, सो उससे फायदा तो होता ही होता है, बट जब क्लैश की न्यूज भी आई सो इट काइंड ऑफ गॉट सम एडिशनल प्रमोशन हैपनिंग फॉर इटसेल्फ। 15 अगस्त का एक बड़ा दिन भी मिल गया, उसका हमने फायदा देखा है कि कैसे पहले दिन फिल्म ने 20 करोड़ क्रॉस कर लिए। सो द फिल्म हैज बेनिफिटेड, बट यस, ऑल सेड एंड डन इट वाज अ गुड फिल्म एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट हैज बीन रनिंग वेल। सो या, इट्स अ हिट, कुड वेल टर्न आउट टू बी सुपर हिट इन नेक्स्ट फ्यू डेज। लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी बैक विद यू। टिल देन, दिस इज जोगेंद्र टुडे साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे टॉक्स देसी मार्टिनी।